हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू भजिया या आलू की सेव। देखते हैं यह कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए मैंने 3 से 4 उबले हुए आलू, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है, 2 कप बेसन डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। अब हम हाथों से मिलाते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। अगर आपको लगता है डो सख्त है तो हम थोड़ा पानी भी ले सकते हैं। इसका हम डो तैयार कर लिया है। अब 1/2 चम्मच घी डालते हुए इस डो को चिकना कर देंगे और 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद देखते हैं, हमारा बेसन फूल चुका है। अब हम हाथों पे घी लगाएंगे और इस डो का एक पोर्शन लेके इसका लॉक तैयार कर देंगे। मैंने यहाँ सेब बनाने वाली मशीन ली है, जिसमें मैंने बारीक जाली लगाई हुई है। आप अपने अनुसार मोटी जाली भी लगा सकते हैं। अब हम मशीन के अंदर बेसन का आटा डालेंगे। और इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे, जिससे यहाँ तलते हुए खुले नहीं। यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम कर लिया है और हम इसको एक डायरेक्शन में जितना हमारी कढ़ाई में आ जाए सेव डाल के तलेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको हम पलट देंगे। आप ये श्योर कर लें यहाँ ज़्यादा डार्क कलर के ही सिकें, क्योंकि आलू और बेसन दोनों बहुत हल्के होते हैं और बहुत जल्दी सिक जाते हैं। जब ये अच्छे से सिक जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे और इस तरीके से मैं सारे से तैयार कर लूँगी। ये बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी बने हैं, आप इसके बाद सुन सकते हैं। जब यह अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएँ तो हम इन्हें 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।